संसद की कार्यवाही में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद सार्थक सकारात्मक बदलाव के एक नए दौर की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार इस बदलाव के साथ ही राज्य में समानता और एक रूपता लाती हुई दिख रही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल कल लोकसभा से पारित किए गए। सरकार इन्हें कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने वाला विधेयक बता रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बहस का जवाब भी दिया। जम्मू कश्मीर से संबंधित दो अहम बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने कश्मीर को लेकर गलती ही नहीं ब्लंडर किया था। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने पहले ही सीज फायर कर लिया था। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं माननीय इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर अब भारत का हिस्सा। गृह मंत्री ने कहा कि ये बिल 70 वर्षों से जिन पर अनन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का ये बिल है। गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी अपने जवाब के दौरान विस्तार से जिक्र किया। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भारतीय संविधान की मूल भावना है। परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 के प्रावधानों के मुताबिक 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। वहीं पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जिसे अब 43 कर दी गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हुई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 114 हो गई हैं। गृह मंत्री ने बिल पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाया, जो एक अस्थायी प्रावधान था। आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी, कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त, कोई वादा खिलाफी नहीं। एक स्पिरिट जो संविधान का था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ये टेम्पररी का दिन ही नहीं आता था, मोदी जी ने 5 अगस्त को वो दिन ला दिया और टेम्पररी था वो चला गया। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। अब ये दोनों अहम बिल लोकसभा से चर्चा के बाद पारित हो गए हैं। जिस तरह बिल को सदन में प्रमुख दलों का समर्थन मिला है, उससे इसी सत्र के दौरान इन विधेयकों के संसद से पारित होने की पूरी उम्मीद है।